गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को एक बहुत बहुत बड़ा थैंक यू एंड अ ह्यूज शाउट आउट। आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से हम लोग अब 6 लाख हो चुके हैं। 6 लाख जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था मैंने। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बस अपना प्यार बनाए रखो एंड अगर वो सब्सक्राइब बटन अभी भी लाल रंग का दिख रहा है तो उस पे जो करना है वो करो और उसे ग्रे बना दो। फिर अगर आपको मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो comicverse.com पे जाकर शॉप अवे कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लोकी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना। तो लोकी के शुरू होने से पहले पूरी दुनिया मेपिस्टो कर रही थी और जैसे ही लोकी शुरू हुआ उसके बाद हर किसी की जबान पे बस एक ही नाम था, कैंग 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 कैंग। कौन है ये कैंग, कहां से आया है ये कैंग? और लोकी का फिनाले देखने के बाद ये सवाल और भी ज्यादा बढ़ गए। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार मार्वल कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर है कौन, कहां से आया है, कैसे क्रिएट हुआ और ये क्या करना चाहता है एंड मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसे ये लोग किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बिना समय में उंगली करे चलिए शुरू करते हैं। देखो, कैंग की स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीडियो और जो कैंग की पूरी स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है और मैंने जितना हो सके इसको सिंपल रखने की कोशिश करी है। तो कैंग द कॉन्करर मार्वल कॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा और फेमस विलन है जिसे टाइम ट्रैवल करने का शौक है और इसकी जिंदगी में जब भी कुछ होता है ना तो ये टाइम ट्रैवल कर लेता है। दाल में नमक कम है, टाइम ट्रैवल कर लिया। एग्जाम में पास नहीं हो पाए, टाइम ट्रैवल कर लिया। पापा ने चप्पल फेंक के मारी, टाइम ट्रैवल कर लिया। लड़की ने हाँ नहीं बोला, टाइम ट्रैवल कर लिया। बस यही काम है इसका। बट ऑन अ सीरियस नोट, मार्वल कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर का एक्चुअल में नाम होता है नथानियल रिचर्ड्स, जो 30th सेंचुरी मतलब 30वीं शताब्दी में रहता है और हमारे टाइम से बहुत आगे के टाइम में। और ये दुनिया टेक्नोलॉजी में तो बहुत एडवांस्ड होती है लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉर चलता रहता है। तो बस इतना समझ लो कि नथानियल रिचर्ड्स अर्थ 6311 पे रहता है जो 30th सेंचुरी में वॉर से जूझ रही होती है और अपनी जिंदगी से बोर हो जाने के कारण ये टाइम ट्रैवल करता है और पास्ट के इजिप्ट में पहुंच जाता है, मतलब बाब आदम के जमाने में। और क्योंकि इसकी टाइम ट्रैवल शिप एक स्फिंक्स जैसी दिखती थी जो हम लोग मूवीज में देखते आ रहे हैं, तो वहां के जो इजिप्ट वाले लोग होते हैं वो देख के इसको एकदम बौखला जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या अंडवंड चीज हो गई उनके साथ। और क्योंकि नथानियल रिचर्ड्स एक बहुत ही बड़ा लसन होता है जो कि पावर का फूका होता है, तो वो इतने सारे लोगों को कंफ्यूज्ड और परेशान और बैकवर्ड देखकर उन पे राज करना शुरू कर देता है। अब यहां पहुंचने के बाद नथानियल रिचर्ड्स अपना नाम रख लेता है रामा टुट। एंड हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि नथानियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड से काफी मिलता जुलता नाम है तो इस चीज को प्रॉपरली मार्वल यूनिवर्स में कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नथानियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स का ही डिसेंडेंट, मतलब उसका पर 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 पोता है। या फिर ये भी माना जाता है कि नथानियल एक्चुअली में रीड का नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम मतलब डॉक्टर डूम का डिसेंडेंट है। अब एंशिएंट इजिप्ट में रामाटूट बनने के बाद ये कई सालों तक वहां पे उनके लोगों पे रूल करता है। और अगर आप लोगों ने एक्समैन अपोकलिप्स देखी है तो आपको पता होगा कि इसका जो नीले फटे होट वाला विलन अपोकलिप्स था वो भी इजिप्ट में पुराने जमाने में ही था। तो मार्वल वालों ने क्या किया कि रामाटूट की कहानी और अपोकलिप्स की कहानी को एक साथ मिला दिया और इन दोनों की राइवलरी काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे चलती रहती है। अब इस बीच में रामाटूट की कई बार फाइट एवेंजर्स से होती है क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके टाइम में पीछे आ जाते हैं, या फिर फैंटास्टिक फोर जो थिंग की गर्लफ्रेंड अलीशिया की अंधेपन को ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी लेने आते हैं, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जो यहाँ पर एक शार्ड को लेने आते हैं। लेकिन इसके बाद भी रामाटूट उन सबको हरा देता है क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। अब देखो, जिंदगी एकदम मस्त चल रही है, आप इजिप्ट में रह रहे हो, आपको कई सारे लोग भगवान मान रहे हैं और जीवन से क्या चाहिए। लेकिन रामाटूट वहां पे बोर हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि एक फिर से टाइम ट्रैवल करेगा और इस बार वो मॉडर्न एज में जाकर एवेंजर्स को हराएगा। और भाई साहब टाइम मशीन में बैठते हैं लेकिन गलती से पहुंच जाते हैं 40th मतलब 40वीं शताब्दी में, जहां पर एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा वॉर बहुत ही ज्यादा एडवांस नहीं होता। यहां पे जितने भी बारबेरियंस होते हैं वो हाईटेक वेपन्स को यूज तो कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि इस वेपन का प्रॉपरली यूज कैसे करना है। और जब यहां पे रामाटूट पहुंचता है तो वो समझ जाता है कि ये लोग तो एकदम नूब है, इनको तो मैं सिखा सकता हूं। तो वो एक बार फिर से उन सारे वेपन्स को सही तरीके से यूज करना शुरू करता है और यहाँ पे वो अपना नाम रामाटूट से चेंज करके कैंग द कॉन्करर रख लेता है। वो इन सारे वेपन्स का यूज करता है और 40वीं शताब्दी में जितनी भी दुनिया जमाने की चीजें होती हैं सबको कॉन्कर करना शुरू कर देता है। वो अर्थ को कॉन्कर करता है, दूसरे प्लैनेट्स को कॉन्कर करता है, ऐसे करके वो पूरी गैलेक्सीज को कॉन्कर कर लेता है। लेकिन इन सब चीजों के बाद उसे एक बार फिर से बोरियत की खुजाल होने लगती है, तो वो एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करता है और इस बार मॉडर्न एज मतलब एवेंजर्स के टाइम में पहुंच
पहुंचकर उनसे लड़ाई करनी शुरू कर देता है। अब क्या होता है कि एवेंजर्स कैंग के अराइवल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और उनको पता भी नहीं होता कि ये है क्या बला। और सारे के सारे एवेंजर्स को कैद करने के बाद वो इस वाले टाइम को भी कॉन्कर करना स्टार्ट कर देता है। वो तो किस्मत की बात है कि कैप्टन अमेरिका को उसके साथ ही मिलकर वापस ले आते हैं। एवेंजर्स एक बार फिर से रिग्रुप करते हैं और कैंग को हरा के वापस भेज देते हैं। अब इस पूरी कहानी में आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कैंग का एक ही वर्जन तो आगे पीछे घूम रहा है। तो देखो, यहां से मार्वल वालों को रियलाइज हुआ कि अब उन्हें कुछ नया करने की जरूरत है। वो एक ही कैंग को आगे पीछे घुमा नहीं सकते, तो इसीलिए वो लोग लक्ष्मी चिटफंड वालों के पास गए और उनको एक का डबल ट्रिपल करने वाली स्कीम के बारे में पता चल गया। अब इस स्कीम के हिसाब से जब भी कैंग टाइम में आगे पीछे जाएगा, वो अपना एक डाइवर्जेंट बना लेगा। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसे आप बस ऐसे समझ सकते हो कि जब भी कैंग ने टाइम ट्रैवल करा, वो अपना खुद का एक वेरिएंट बना लेगा और जिस भी जगह पर वो जाएगा वो एक्चुअली में एक अल्टरनेट रियलिटी होगी। तो इस तरह से मार्वल वालों ने इस चीज को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि कैंग द कॉन्करर खाना वाना नहीं खाता, वो नाश्ते में भी टाइम ट्रैवल ही करता है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि 20th सेंचुरी में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो टाइमली नाम का एक खुद का शहर एस्टैब्लिश कर लेता है, वहां का मेयर बन जाता है, अपना नाम बदल के विक्टर टाइमली रख लेता है। लेकिन इसी के साथ में ये वाला कैंग क्रोनोपोलिस नाम की एक जगह को भी एस्टैब्लिश करता है। अब क्रोनोपोलिस को आप लोग कैंग द कॉन्करर का घर समझ सकते हो, जैसे सुपरमैन की फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है, बैटमैन की बैट केव है। अब क्रोनोपोलिस के बारे में सबसे ज्यादा स्पेशल चीज ये है कि ये टाइम के भी आगे एग्जिस्ट करती है, मतलब टाइम और स्पेस यहां पे वैसे काम नहीं करते। फिर क्या होता है कि कैंग ट्रैवल करता है 48th सेंचुरी में और यहां पर इसकी पहली बार मुलाकात होती है रेवोना रेंसलेयर से, वही हमारी मिस लसनस्लेयर, जो उस टाइम पर उस एरिया के किंग की बेटी होती है और कैंग को उसे देखते ही उससे मोहब्बत हो जाती है। लेकिन जैसे हर लड़की शुरू में भाव खाती है, तो वैसे ही रेवोना भी कैंग के प्यार को ठुकरा देती है और कैंग भी वही करता है जो हर लड़का रिजेक्शन फेस करने की बात करता है, अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन। तो कैंग अपनी टाइम ट्रैवलिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है और एवेंजर्स को बुला लेता है इस वाले टाइम में और उनसे लड़ के उनको हराता है। पता नहीं ये कौन सी मर्दानगी का प्रदर्शन है, लेकिन खैर जो भी था, इस चीज से रेवोना इंप्रेस हो जाती है और फिर एक थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन होता है। कैंग की आर्मी उसी के खिलाफ बगावत कर लेती है और एवेंजर्स उसकी मदद करते हैं। अब ये रेवोना वाला पूरा किस्सा एक तरफ हो जाता है और इतने सारे कैंग क्योंकि बार बार टाइम ट्रैवल करते जाते हैं, तो कैंग के कई सारे वेरियंट अब मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने लगे थे और इसी वजह से काउंसिल ऑफ कैंग्स का इन्वेंशन होता है। मतलब एक पूरी काउंसिल होती है जिसमें कई सारे कैंग्स होते हैं और यही चीज हमने लोकी में भी देखी थी। तो इस पूरी काउंसिल में भी एक कैंग होता है जो अपने आप को प्राइम कैंग का नाम दे देता है और ये दो अलग अलग कैंग के साथ मिलकर इस पूरी काउंसिल में जितने भी कैंग्स होते हैं उनको धीरे धीरे करके मारना शुरू कर देते हैं। और जब आखिरी में सिर्फ ये तीनों ही कैंग्स बचते हैं, तो प्राइम कैंग इन दोनों के भी काम डालने की कोशिश करता है, जिसमें से एक को तो वो मार भी देता है, लेकिन दूसरे को मारने से पहले उसे इमोर्टस आके वहां पे रोक देता है और उसे अपने साथ ले जाता है लिम्बो में। तो देखो, अभी तक कैंग द कॉन्करर की कहानी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब आपको मैंने बता दी। अब जो चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीयू के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इमोर्टस की कहानी। तो मार्वल कॉमिक्स में इमोर्टस और कोई नहीं बल्कि कैंग का ही फ्यूचर वाला वर्जन है, मतलब जो अल्टीमेट फ्यूचर है कैंग का वो इमोर्टस है। अब इमोर्टस की कहानी कुछ ऐसी होती है कि सब कुछ करने के बाद कैंग द कॉन्करर एक बार फिर से एंशिएंट इजिप्ट में जाता है रामाटूट बन के और वहां पर दोबारा से अपनी किंग वाली लाइफ में सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि अब खून खराबे में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं रहा और इसीलिए वो एक बहुत ही शांति प्रिय आदमी बन जाता है। लेकिन जब वो इस पूरी चीज से बोर हो जाता है, तो वो इस पूरे किंगडम और सब चीज को रेवोना के हाथ में सौंप कर वहां से निकल लेता है। अब वो थोड़ी आगे जाकर टाइम को और भी ज्यादा स्टडी करना शुरू करता है, लेकिन तब उसकी मुलाकात होती है टाइम कीपर से। कॉमिक्स में टाइम कीपर्स रोबोट्स नहीं है। तो टाइम कीपर्स क्या करते हैं कि इमोर्टस को देखकर वो उससे कहते हैं कि तुम एक काम करो, जितनी भी रियलिटीज और जितनी भी टाइमलाइंस है उनको एक लाइन में रखो और उसके साथ किसी को भी छेड़छाड़ मत करने दो, ये तुम्हारा काम है। तो कुल मिलाकर आई गेस कि आप लोग को ये बात समझ में आनी शुरू हो गई होगी कि लोकी के फिनाले में हमने ही हु रिमेन्स, मतलब कैंग के जिस वाले वेरियंट को देखा था, वो इमोर्टस से काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा था। उसका काम इस पूरी टाइमलाइन को मेंटेन करने का था, जो काम इमोर्टस का कॉमिक बुक्स में है। लेकिन यहां से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब क्या होता है कि कॉमिक बुक्स में इमोर्टस को रियलाइज होता है कि एक ऐसी बीइंग है जो पूरी की टाइमलाइन और पूरी की रियलिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और उस बीइंग का नाम है स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच क्योंकि एक नेक्सस बीइंग है जो पूरे के पूरे मल्टीवर्स और पूरे के पूरे यूनिवर्स अलग अलग रियलिटीज में भी एक ही फॉर्म में एक्सिस्ट करती है और उसके हेक्सेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो रियलिटी को खत्म कर दे, तो इसीलिए इमोर्टस का काम होता है उसको रोक के रखना। और इमोर्टस को आगे जाके ये पता लगता है कि स्कारलेट विच से भी ज्यादा बड़ा खतरा स्कारलेट विच के बच्चे होने वाले हैं। तो वो क्या करता है कि स्कारलेट विच और विजन के बीच में जो रोमांस है उसको नरिश करना स्टार्ट करता है। मतलब मार्वल कॉमिक्स में जो स्कारलेट विच और
विजन के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ इमोर्टस ने स्टार्ट करा था। एंड इसका रीजन भी बहुत सिंपल सा था, इमोर्टस को बस स्कारलेट विच के बच्चे होने से प्रिवेंट करने थे, तो इसी वजह से उसने उसे एक रोबोट के साथ पेयर अप कर दिया क्योंकि बच्चे तो हो नहीं पाएंगे इनके। लेकिन वांडा उससे भी दो कदम आगे निकली, उसने मेफिस्टो के साथ जाके डील कर ली और उसी की सोल से दो बच्चे बनवा लिए। खैर इमोर्टस ये बात समझ जाता है और एक तरफ साइड में हट जाता है और सोचता है कि अब जो चीजें जैसे चल रही हैं उनको वैसे अनफोल्ड होने देना चाहिए और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप लोगों को वो चीज तो याद होगी जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी कि काउंसिल ऑफ गैंग्स में बहुत सारे गैंग्स होते हैं, फिर उनमें से प्राइम गैंग जो होता है वो दो गैंग के साथ मिलकर बाकी सारे गैंग्स को मार देता है। और हमें आगे जाके पता चलता है कि सारी की सारी जो भी चीजें हो रही थी, मतलब प्राइम गैंग ने जितने भी गैंग्स को मारा और ये जो पूरी स्कीमिंग करी उसने, वो सब कुछ इमोर्टस का मैनिपुलेशन था। एंड ये सारी चीजें उसने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए करी थी क्योंकि इमोर्टस वाला जो फ्यूचर है वो पॉसिबल हो पाए, मतलब जो प्राइम गैंग है वो फ्यूचर में जाके इमोर्टस बने। अब मार्वल कॉमिक से निकलकर हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें एमसीयू में कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है। तो देखो लोकी का जो फाइनल सीन हमने देखा था उसमें हमें ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जो अब टीवी प्रेजेंट वाली है उसे गैंग ही रूल कर रहा है और एक गैंग का इमोर्टस टाइप का वेरिएंट नहीं था, मतलब वो वाला वर्जन नहीं था जो Who Remains हमने देखा था। इसके अपीयरेंस को देखकर ये बात समझ में आ रही है कि ये कैंग का कॉनकरर वाला वेरिएंट है जो प्रोबेबली बहुत ज्यादा डेंजरस है। एंड अगर इसको हम लोग वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन से कंपेयर करें तो हमें ये चीज भी समझ में आनी शुरू हो जाती है कि वांडा को जो बिली और टॉमी की आवाजें सुनाई दी थी वो भी मल्टीवर्स के क्रिएट होने से ही हुई थी। और जो कुछ भी मैंने आपको कॉमिक बुक से रिलेटेड अभी तक बताया है तो प्रोबेबली ये कॉमिक्स वाली चीजें यहां पर प्ले आउट कर सकती है। हो सकता है कि वांडा पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो, मतलब जो मल्टीवर्स क्रिएट हो रहा है कैंग इसे क्रिएट होने देना चाहता है और वांडा इस चीज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो प्रोबेबली कैंग उसे किसी ना किसी वे में मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, क्योंकि कॉमिक बुक्स में भी उसने यही चीज करने की कोशिश करी है। उसने वांडा को मैनिपुलेट करा था ताकि वो उसकी नेक्सस लेवल की जो हेक्स वाली पावर्स थी, केओस मैजिक था, उसका यूज अपने फायदे के लिए कर पाए। तो मे बी ऐसा ही कुछ हमें एमसीयू में भी देखने को मिले। तो कुल मिला के मार्वल कॉमिक्स में कैंग द कॉनकरर की कहानी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसने टाइम ट्रैवल किया, इजिप्ट में गया, रामाटूट बना, वहां पे रूल किया, वहां से बाहर निकल के आया, 40th सेंचुरी में पहुंचा, कैंग द कॉनकरर बना, पूरी की पूरी टाइमलाइन को कॉनकर किया, फिर उसके बाद अपनी एक पूरी की पूरी काउंसिल बनाई, उसके बाद उन सबको मारा, लिम्बो में गया, अपने खुद के फ्यूचर वर्जन इमोर्टस से मिला, इमोर्टस के अलग ही रायते फैले हुए हैं, उसको स्कारलेट विच रोकनी है, उसके बच्चे पैदा से रोकने, तो उसने उनकी विजन से अफेयर करवा दिया, फिर भी स्कारलेट विच के बच्चे हो गए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी इन लोग को चैन नहीं पड़ रहा है, इनकी पूरी कहानी का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये। पर फिर भी जितना भी जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ मैंने आप सबको बता दिया। इसके अलावा अगर कोई भी चीज हो जो आपको समझ में नहीं आई हो या कोई भी डाउट्स हो तो वो सारे के सारे या तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा या इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के मुझे टैग कर देना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर देना। मुझे पता है कि शायद वीडियो फिर से थोड़ा सा लंबा बन गया, नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, मतलब प्लीज ऐसी चीजें अपन बनाते रहते हैं ऐसे वीडियो। तो और जब इतना कर लिया तो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर डिस्कॉर्ड दुनिया जमाने में है, अपन सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके फॉलो कर लो उधर। एंड अगर आप लोग को मेरी टी शर्ट पसंद आ रही है तो comicverse.com पे जाइए एंड शॉप अवे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लोकी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूला। और हाँ कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग भी अपलोड किया था जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तो अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हो तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज Keep being awesome. नमस्ते। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या था? थी है हूँ ही हूँ। अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है?